थोड़ा कोशिश करो जितने भी शौक से आप ही हो जाइए ऊपर। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण किसान पे। साथियों मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ। तो साथियों अभी पेशेंट्स जो है उनका मैंने टाइम जो है बदल दिया है। आज दिन को बहुत धूप और गर्मी के कारण जो है आपने पहले वीडियो देखी होगी जो है बहुत ज़्यादा धूप दिन में होती है, उस कारण हमने दिन में जो है पेशेंट को अभी देखना बंद किया है। शाम को 7 से 9 बजे तक टाइम रखा है हमने। यहाँ ड्राइवर ही है, इनकी गाड़ी आगे खराब हो गई है, तो ये पंजाब के हैं। तो आ जाइए उस्ताद जी। हाँ भाई। तो उस्ताद जी आपको क्या हो गया? मोबाइल लो करो बंद। तो क्या हो गया उस्ताद जी आपको? ऊंची आवाज में ताकि हमारे दर्शक भी सुने। ऊंची आवाज में कौन को पता है दर्द है, तो ऊंची आवाज में कहाँ पे दर्द है आपको जरा घूम के दिखाइए। एक बार नीचे झुक के दिखाइए कितना झुकना आ रहा है आपको। पूरा कोशिश लग रहा तोड़ो लग तोड़ना। अभी साथियों शाम का टाइम भी है, शायद कहीं समझ गए होंगे आप। तो थोड़ा कोशिश करो जितने भी साथियों आप जुड़ गए हमारे साथ, इनको देखते हम इसके बाद वाले पेशेंट आती है। इधर ला इधर ला। इसके बाद के पेशेंट पहले डर रहे बोर इधर नहीं पसंद है बड़े सिस्टर बोर इधर कोई पुराने नहीं रिजाइड है आज रिजाइड बोर इधर। हिम्मत जो है पूरी पावर पूरी आ रही है। अब नीचे जा रही दूसरी वाली 6 बैग सर कहाँ रखे? ओके लास्ट बोतल ही लैनी पैनी इसनों ते सवेरे आना पैना।
ये हकीम साहब है हमारे, ये दर्द दूध ठीक करते हैं। हकीम साहब है, हकीम है भाई, दर्द ठीक करते हैं। दर्द मामे देखो रात की ख्याल रखी, कोई बोतल ले लें देसी, बोतल ले लें देसी दी, ताई रात कटेगी। मैं तो गई रात आज बैठ सो थले ही नहीं देसी तो जम्मू वाली कहानी हो जानी। बैठ दे ऊपर नहीं आज करनी है, बैठ दे थले रात ही नींदर मच्छरों के बीच। सिलेंडर ना बाहर दे ये कोट सिलेंडर देखो सिलेंडर क्या रखी सिलेंडर बेकार जिंदगी हम बोलो कि अच्छा भाई जी सर आपके सब्सक्राइब बना दिए। हाँ सर बढ़ने चाहिए आपके होते हुए और क्या होते हैं क्या मगे आज आदि क्या मगे आज ये तो नहीं लगाओ वो धारों पे कहाँ गए थे आप, वो कौन सी धार पे गए थे भाई जी? रामपन लोकल नहीं, लोकल नहीं, वो जो धार पे आपने वो डांस किया थाली डांस बाथरूम पे और वो लेके सर कौन सा वाला था वो यार अभी जो लेटेस्ट डाला था आपने यूट्यूब पे सर यूट्यूब पे आप बेटी वगैरह भी डालते रहते हो बिल्कुल हमारा समर्थन भरपूर है आपको शौक से आप पी गए और दूर से दिखा दे दिखते हुए जूम करने में फेस का बॉडी पूरी अभी एक बार झुक के दिखा मैं छाती टच कर
टिली रख जान, टिली रख नहीं जाने ज्यादा ये मुलाजम है सी टी पी एल के। तो ज़्यादातर जो ड्राइवर होते हैं जैसे जे सी बी के ऑपरेटर हो गए उनको ये जो दिक्कत है ये बन जाती है। साथ में ये रात को नीचे भी सोए हुए थे उस कारण जो है ये दर्द जो है इनको काफ़ी हो रही थी। तो पहले से जो है काफ़ी आराम जो है दूर है। साथियों इन लोग फिर आपको बताते चलूँ मैं, ये जो जहाँ पे इनको दर्द है हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा गर्म ये जगह रहती है। जब हम नीचे सोते हैं तो तभी आपने सुना होगा सर्दी लग जाती है, जब हम नीचे सोते हैं तो ये हमारा पॉइंट गर्म होता है, नीचे से जब सर्दी लगती है तो इसमें दर्द पैदा हो जाता है। ये पैर भी सीधे रखो सीधे, हाँ पूरे पूरे बैंड नहीं करना जाना हमें गुड। साथियों आप सबसे जरूर मैं सवाल करूँगा, जितने भी वीडियो देख रहे हैं मैं आप सबसे कहता रहता हूँ कि जरूर अपनी कमर की एक्सरसाइज जो है अब जो लास्ट में अभी इनको मैं करवा रहा हूँ वो ज़रूर आप सब करें, क्योंकि बहुत सारे जो अभी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको लोअर बैक पेन सबसे ज़्यादा हो रही है। अगर किसी का रीढ़ की हड्डी में तो फ्रैक्चर है वो एक अलग बात है, अगर नॉर्मली कोई दर्द पैदा हो रही है तो इसके लिए आप सबको मैंने बताया हुआ एक्सरसाइज एक बार इनको फिर आप सबको दिखाऊंगा मैं किस प्रकार की एक्सरसाइज घर पे आप जब आपको दर्द भी नहीं है लेकिन फिर भी करनी इस प्रकार। साथियों ये पांव रखना है इस पे जो टूल कुर्सी जो भी रहेगी साथियों वो बिल्कुल जिस पर बैठोगे उसको बिल्कुल कम रखना है, उसका लेवल इतना होना चाहिए कि ये गोडा जैसे हमारा यहाँ है इस लेवल पर, इससे हाइट ना हो वो डाउन भी ना हो फिर सही से नहीं होगा। ये एक बिल्कुल सीधा आ रहा है इनके गोडे के सामने जो यहाँ और ये एक बिल्कुल सामने लेवल एक है। इस प्रकार आपने साथियों पाँव रखना है और उसके बाद आपने डाउन हो जाना, हर कोई कर सकता है। आप सबको मैं बताता चलूँ क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इसको काम करना पड़ता है, आधा वेट नीचे और आधा ऊपर हमारा बॉडी का होता है इस बॉडी के, तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द आपने देखी होगी। हर एक दोस्त हर 10 बंदों में 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको दर्द होगी। तो साथियों मुझे भी बहुत पहले रहती थी और अभी शायद पिछले 2-3 साल से शायद मुझे वो दर्द कभी याद भी नहीं कब हुई थी, लेकिन और 1-2 मिनट आपने ऐसे ठहरना है और उसके बाद दूसरे पाँव को उसी प्रकार, ये जो हाथ है आपने बिल्कुल बॉडी ढीली छोड़नी है और इस प्रकार नीचे जितना जितना आए, आपका पेट ज़्यादा है उसके लिए बता दूंगा क्या करना है, कोशिश करनी पेट ज़्यादा हो फिर भी आपने अपनी बॉडी को खींचना इस प्रकार नीचे। इस प्रकार सीधे पाँव करके एक बार आपने पूरा झुकना है, इतना झुकना है ये देख रहे होंगे साथी लोग नीचे इनके पाँव बिल्कुल बॉडी झुकने झुकने आए। अब कोई और बंदा है साथ में तो उससे हल्का हल्का प्रेशर जो है दे रहे हैं। ताकि जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसमें फिर से ताकत आ जाए। तो साथियों अगर आप तो मैं बता रहा था अगर जो मोटा है जिसका पेट ज़्यादा है उसके लिए आप थोड़ा पीछे हो जाइए, ये पाँव अभी ऐसे पकड़ के इधर इधर हाल रहे, इनकी पैंट जो है थोड़ी टाइट है
कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे हाथ रखना अभी इस प्रकार और ये खींच के इधर तो अभी कैसा फील हो रहा है उस्ताद जी? आप देख रहे होंगे साथियों, ये इस काम के लिए जो ज़्यादा जोर लगता है और ये मुझे भी पसीना आ चुका है। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है लगभग पहले से? कितना परसेंट आपको लग रहा है लगभग आराम हो गया? 50% आराम हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपने सुबह भी और शाम को भी, नीचे आप सो रहे हो तो हल्का सा एक्स्ट्रा बिस्तर रखना है, ठीक है? आगे सब भी टचना, एक बार आप सभी को दिखा दे, पहले झुक नहीं रहे थे, इनको झुकने भी नहीं आ रहा, एक बार आप सबको दिखाएंगे, थोड़ा झुक के दिखाएंगे उसका हो जाइए ऊपर मजबूत 50%। तो साथियों जरूर मैं आप सबसे उम्मीद करूँगी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो जरूर अपने साथियों से वीडियो शेयर करें, ताकि जो भी मेरा साथी किसी को दिक्कत हो छोटी मोटी जो हमारे लायक है तो हम तक को आप पहुँचे। आप सबसे जरूर टाइमिंग में शेयर करूँगा कि अभी मैंने टाइम जो है बदल दिया है, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मेरे को जो है पेशेंट को देखने के लिए वैसे कोई जगह नहीं है, तो यहीं पे मैं देखता हूँ दुकान के बाहर। तो पेशेंट जो है अगर दूर का है तो 7 बजे के करीब आ जाए, और 9 शाम को 9 बजे तक मैं यहाँ पर। ज़रूर आप सबसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो ज़रूर अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करेंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।